भैया का शूलेस खुला है यार, उन्हें बता देता हूँ। भैया शूलेस खुला है आपका, शूलेस शूलेस। क्या हुआ सर, चेकिंग क्यों कर रहे हो? तो भाई साहब, यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट और सीधा जाता है LIC स्क्वायर, और हम लेंगे लेफ्ट, हम उधर से आए। हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट और सदर के ऊपर से सीधा अपने घर के लिए। बाबा ने तो गाड़ी बीच में लगा दी। ये आ गया अपना सदर का ब्रिज, यहाँ से हम जाएंगे सीधा अपने घर के लिए। आपने हमेशा याद रखना, अगर आप बाइक चला रहे हो ब्रिज के ऊपर से, तो आपने ये साइड से ही चलाना है, और बीच में तो ऑटो वगैरह आ गया तो आप लेन चेंज कर सकते हो, लेकिन मिरर में देखने के बाद। और फिर से आपने बाइक चलाते हुए ये लेन में आ जाना चाहिए, जो पट्टा दिख रहा है आपको, इसके इधर से बाइक वाले को चलना चाहिए। और पीछे जो साइड में राइट साइड से जाएंगे, वो पूरी कार्स के लिए, मतलब ना उनका ट्रैफिक जैम होगा ना अपना ट्रैफिक फ्लो खराब होगा, क्योंकि कार्स जो है वो थोड़ा स्पीड में आती है। इसलिए हम ये लेन पकड़ के चलेंगे और यहीं से चलते जाएंगे। ये कुछ समझदार नागरिक हमारे देश के, और ये कुछ असमझदार। अभी थोड़ा ओवरटेक करना है तो आप लेन चेंज कर सकते हो, उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाना है अपने। और फिर से लेन चेंज करके यहाँ, मतलब ऐसा मैं बता रहा हूँ, ओवरटेक करना रहा है, मिरर में देखो, स्पीड में चलो और फिर से अपने लेन में वापस आ जाओ। ऐसे अपने गाड़ी चलाना है। यहाँ पे बड़ा संभल के चलना पड़ता है, कहाँ कुछ लोग सीधे रहते हैं, कुछ लोग राइट में जाते हैं। हम जाएंगे सीधा, और ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वन वे है, तो गलती से भी यहाँ से गाड़ी मत डालना। काफी लोग ना ऐसे सीधे आ जाते हैं, तो थोड़ा संभाल के गाड़ी चलाना है यहाँ पर। और ये आ गए हम काटोलना का स्क्वायर। तो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें, और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अभी कल किसी और नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।